प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के पसंदीदा नेता यूं ही नहीं कहे जाते, उन्हें हर किसी को खुद से जोड़ना अच्छे से आता है। कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ वाराणसी में, जब प्रधानमंत्री ने खुद अपनी ही मिमिक्री करने के लिए एक मिमिक्री आर्टिस्ट को कहा। पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाला ये आर्टिस्ट गोराडी के अभय कुमार शर्मा है, जो नेत्रहीन है। डिरेका में हेलीपैड पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री उन्हीं को सुनाई। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। क्या शुभ नाम? सर अभय कुमार शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन में मिमिक्री आर्टिस्ट सर। अरे वाह, अक्षर सर के लाफ्टर चैलेंज में भी मैं था सर। अच्छा, हाँ सर। किसकी मिमिक्री कर सर? आपकी, राजनाथ सर की। अच्छा, हमारी करो। जैसे आपकी, हाँ। जैसे मन की बात में। हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला, वहाँ पर मैंने देखा तमाम लोग जो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग लोग स्वेच्छा से आकर के और जिस सहृदयता से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वहीं पीएम के मन की बात और उनके भाषण की मिमिक्री को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग छात्र की खूब सराहना भी की। दिव्यांग मिमिक्री आर्टिस्ट अभय कुमार शर्मा को सिर्फ आंखों से दिखाई न देना इनको कमजोर नहीं बना पाई। इन्होंने अपनी कला को अपनी ताकत बनाया और मिमिक्री से देश में अपना नाम रोशन किया। उनका हुनर उन्हें इस मुकाम पर ले आया कि खुद प्रधानमंत्री उनकी मिमिक्री के फैन हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री लेने वाले अभय ने जब पीएम के मन की बात उनको सुनाई तो मोदी वाह वाही दिए बिना रह नहीं पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।